बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बीबीए क्रीम लेके आई हूँ। ये शी फूड क्रीम है, इसमें ए और विटामिन ई है। ये तमाम स्किन्स के लिए बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल आपके पैरों को बहुत खूबसूरत बना देगा जब आप लगाएंगे। जैसे हम अपने ना हाथों की केयर करते हैं, अपने चेहरे की केयर करते हैं, अपनी आप गर्दन की करते हैं, इसी तरह हमें अपने पैरों को भी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत अट्रैक्टिव क्रीम लेके आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके पाँव डार्क सर्कल, जो पाँव पर टू टोन स्किन बन जाती है, वो रिमूव होने लग जाएगी। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके पाँव बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आपने पहले अपने पाँव को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद आपने उसे ड्राई करके इसकी आपने मसाज करनी है और अपने पैरों पर लगाना है। और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है। जब आप इसे लगा कर रखेंगे तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से इसका आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। तेज़ी से क्रीम आपके पैरों को साफ़ करेगी और ख़ूबसूरत बनाएगी, नरम और सॉफ्ट बना देगी। और ये तमाम स्किन के लिए ना जो है सूटेबल है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जिस तरह की भी स्किन होगी ना, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। पहले मैं जो भी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ना, वो फिर आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं खुद करती हूँ, अप्लाई करती हूँ अपने हैंड पे, अपने फुट पे। लेकिन आप हमेशा, आपको ये मैं बात बताती हूँ अक्सर अपनी वीडियोस में, कि आप अपने हैंड और फीट पे पहले अप्लाई करके देख लिया करें चीज़, ख़ासतौर पे टू यूज़ इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। वॉश योर फीट विथ क्लीन वाटर। आपने साफ पानी से अपने पाँव धो लेने हैं। ड्राई योर फीट एंड अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फुट क्रीम डैट लीव्स योर फीट फीलिंग सिल्की स्मूथ। इसके इस्तेमाल से आपके पाँव बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट और हमवार हो जाएंगे। और आपने थोड़ी सी क्वान्टिटी में इस क्रीम को अपने पैरों पर अप्लाई करना है। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पैरों को खूबसूरत बनाएंगे और नरम मुलायम बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे। लोग भी देख के आपके पैरों को हैरान हो जाएंगे। ऐसा है, इस तरह का सॉफ्ट होता है ये। जब अपने आप फुट पे अप्लाई करेंगे और लगाएंगे तो आपके फुट बहुत ही नरम मुलायम हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छी बात, हमें अल्लाह की रज़ा में खुश रहना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।